हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। आप सबका हम दोनों की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन सारे भाइयों को। तो अभी हम तो हो गए रेडी। तो फ्रेंड्स, आज रक्षाबंधन था तो मैंने ये नायरा का सूट वेयर कर लिया था, बट ये थोड़ा सा लूज था, बट मैंने पहन लिया बिकॉज जाना कहीं नहीं था बाहर, तो पहन लिया मैंने। और ये जो राम सीता लिखा हुआ है ना एक कागज़ पे, तो ये हमारे यहाँ दोनों साइड लगाया जाता है दरवाजे पे, मोस्टली सभी यहाँ लगाया जाता होगा क्योंकि शुभ माना जाता है इसको। और दी कर रही है बुआ जी के बेटे से बात वीडियो कॉल पे। फिर उसके बाद हम तीनों बहनें मार्केट गए। हम वैसे तो हम मिठाइयाँ लेने गए थे, स्वीट वगैरह, बट वहीं पे बगल पे राखी की शॉप थी तो हमें राखी भी पसंद आई, तो हमने राखियाँ भी ली। और अभी हम एकदम, आज रक्षाबंधन है तो एकदम फ्रेश फ्रेश मिठाइयाँ आई हुई थी तो हम वो ही ले रहे थे। तो फाइनल में हम लोग लेके आए थे शुद्ध देसी घी से बना हुआ घेवर, और सेकंड था रसगुल्ले। तो चलिए अभी कर लेते हैं रक्षाबंधन की पूजा, तभी हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे सबसे पहले गणेश जी को राखी बांधी है, फिर हमने लड्डू गोपाल जी को राखी बांधी है। बिकॉज आजकल चल रहा है कि अशुभ मुहूर्त और शुभ मुहूर्त, और मेरा मानना है कि अगर हम भगवान जी के हाथों में राखी बांध देते हैं तो शायद ही कोई अशुभ मुहूर्त रह जाता होगा। तो हम वैसे तो हम लोग बेसिकली हर साल ही ऐसे करते हैं, भगवान जी को पहले राखी बांधते हैं और सेकेंड में हम लोग पापा को राखी बांधते हैं बुआ जी के बदले की। तो दीदी हर साल ऐसे ही पापा को राखी बांधती हैं। और यहाँ पे सबसे फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं ताऊ जी के बेटे, तो ये उनकी वाइफ है और ये उनके छोटे बेटे हैं। और यहाँ पे दीदी उन्हीं को राखी कर रही है क्योंकि भाभी को जाना था अपने मायके भी, और मैंने भी बांधी थी राखी पर मेरा किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं। और फिर उसके बाद ये मेरे से छोटा वाला भाई है, तो यहाँ पे दीदी उसको राखी कर रही है। और सेकंड में हूँ मैं, तो अब मेरी बारी है। तो मैंने एक साथ इन तीनों को बिठा के एक साथ में ही राखी बांध दी थी। और थर्ड नंबर पे है ये छोटी वाली बहन, तो ये तीसरे नंबर की है, तो इसका नंबर लास्ट में आता है। तो अभी ये ऐसी सबको राखी बांध लेगी। और ये है चाचा जी का बेटा, तो अब फोर्थ नंबर पे इसकी बारी थी, तो अब हमने इसको राखी बांधी। तो इस बार मम्मी नानी जी के घर नहीं जा पाई थी, तो मम्मी के छोटा वाला भतीजा ही घर पे आया और उसने फिर राखी बंधवाई। बिकॉज कुछ रीजन की वजह से मम्मी घर नहीं जा पाए, और थोड़ा सा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो इसलिए मम्मी नहीं गई, तो मम्मी का भाई का बेटा ही घर पे आया तो उसने ही राखी बंधवा ली थी। और ये हमारे किराएदार का बेटा है जो खिलते खिलते ऊपर आ गए थे, तो दीदी ने फिर इसको भी राखी बांधी। और ये हमारी बड़ी चाची जी के बेटे हैं, बिकॉज इनकी कोई सिस्टर नहीं है, चाची की कोई बेटियाँ नहीं है, तो हम जब बचपन से ही छोटे छोटे थे तो तब से ही हम दोनों भाइयों को राखी बांधते हैं। तो देखिए, ये हमारी किचन क्वीन, तो ये मेरी मम्मी है। तो आज जैसे फेस्टिवल है, मम्मी पूरी पकौड़ियाँ बना रही थी और हम लोग वहाँ बाहर फेस्टिवल इन्जॉय कर रहे थे, बिकॉज आज हमारा दिन था बहन भाइयों का, तो मम्मी लगी थी किचन में। तो देखिए, और किचन की हालत भी देखिए, फेस्टिवल है तो चलो होता है इतना तो। और ये जैसे कि रक्षाबंधन की मोस्ट स्वीट सेवैयाँ ही होती है, तो मम्मी ने ये भी बना रखी थी, तो फिर हम लोगों ने सबने खाई, इन्जॉय की, बहुत टेस्टी थी। हे एवरीवन, तो ये था मेरा रक्षाबंधन का ब्लॉग, और अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट कर लिया है और अब सबने चेंज भी कर लिया है, सब अपने अपना खा पी के बैठ भी गए हैं। तो चलिए, मैं करती हूँ वीडियो का एंड। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक करके, कमेंट करके मुझे सपोर्ट करें, और वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और थोड़ा सा मेरा यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर नया नया सफ़र है, तो प्लीज़ कोई भूल चुक हो जाती है बोलने में या वीडियो में या फिर कुछ भी एक्सपीरियंस देने में,
तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट से मैं अपने काम को और बेहतर बनाऊंगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और जैसे कि आज राखी का फेस्टिवल था, तो मैंने हमारे घर में जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, तो प्लीज़ आप लोगों की राखी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए बीच में जल्दी लेके आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।